एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता है। उन साधु की एक खास बात थी कि वह साधु जब भी नाचता था तो गांव में बारिश होने लगती थी। गांव वालों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तो गांव वाले उन साधु के पास जाकर उनसे विनती करते कि दया करके आप नाचना शुरू कर। और जैसे ही साधु नाचना शुरू कर देता वैसे ही गाँव में बारिश शुरू हो जाती थी। कुछ समय के बाद शहर में रहने वाले चार लड़के गाँव में घूमने के लिए आए। जब उन लड़कों को यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश शुरू हो जाती है तो उन लड़कों को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। शहर के लड़के अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचना शुरू कर देंगे तो बारिश होने लगेगी, और यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उन साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन गाँव वाले चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया में पहुँच गए और फिर साधु से सारी बात विस्तार से बताई। साधु ने भी उनकी बात सुनकर चुनौती को स्वीकार कर लिया। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर नाचने के बाद पहला लड़का थक कर बैठ गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। ऐसे ही एक एक करके चारों लड़के थक कर बैठ गए, परंतु बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। इसके बाद साधु का नंबर आया, साधु ने नाचना शुरू किया। एक घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। नाचते नाचते दो घंटे बीत गए लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर भी साधु ने नाचना बंद नहीं किया और कुछ ही देर बाद शाम होते होते बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और कुछ ही देर में गांव में जोरदार बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के हैरान रह गए और उन साधु से तुरंत क्षमा मांगी और साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा कैसे हो गया? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई लेकिन आपके नाचने से बारिश होने लगी। साधु ने उन लड़कों को बताया, मैं जब भी नाचता हूँ तो दो बातों पर ध्यान देता हूँ। पहली बात, मैं यह सोचता हूँ यदि मैं नाचूँगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात, मैं तब तक नाचूँगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, सफल व्यक्ति में भी यही गुण विद्यमान होता है। वह जिस काम को करते हैं उन्हें सफल होने का पूरा विश्वास होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफलता प्राप्त ना कर ले। दोस्तों, यदि आपको भी किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो आपके अंदर भी उन साधु वाला गुण होना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।